छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना वन मंडल के अंतर्गत झलेड़ा पुलिस लाइन में स्वर्ण वाटिका का लोकार्पण किया। उन्होंने वाटिका में भेड़ा पेड़ का भी रोपित किया। उन्होंने बताया कि इस वाटिका में लगभग 800 फलदार और औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे। इस अवसर पर वन विभाग कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने भी विभिन्न किस्मों के 150 पौधे रोपित किए। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में मानसून मौसम के दौरान 170 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1,35,000 पौधे रोपित किए जा रहे हैं तथा अधिकतर पौधारोपण का काम भी पूरा हो चुका है। सतपाल सत्ती ने कहा कि इन पौधों की देखभाल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के माध्यम से प्रत्येक पार्षद और पंचायत के प्रत्येक सदस्य को पौधारोपण के लिए 51-51 पौधे प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन का हमारे जीवन में एक अहम स्थान है। वन है तो हम हैं। वृक्षों को बच्चों के समान माना गया है। इनकी देखभाल भी हमें अवश्य करनी चाहिए। हमें जब भी समय लगे पौधे अवश्य लगाएं और उनका संरक्षण भी जरूर करें। उनके महीने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है, जो हम सब लोग जानते हैं, जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है और हमारी परंपराओं में भी ये पहले से ही ऋषि मुनियों के समय से कहा जाता था कि पेड़ बेटे के समान और बेटी के समान होता है। लेकिन बीच में पर्यावरण को हम लोग भूल गए, पेड़ कटने शुरू हो गए, बस्तियां बननी शुरू हो गई, एक ऐसा विकास शुरू हुआ जिससे प्रकृति का विनाश शुरू हुआ। उस विनाश के कारण प्रकृति ने भी ऐसा रुद्र रूप दिखाया कि प्लेन और पहाड़ों में सब जगह बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। उसके कारण सरकारों ने निर्णय लिया है, आम समाज ने भी निर्णय लिया, अनेकों सामाजिक संस्थाएं भी आजकल वृक्षारोपण कर रही हैं। उसी कड़ी में आज वन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा इस लाल सिंघी पुलिस लाइन में, झलेड़ा लाल सिंघी पुलिस लाइन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। लगभग 150 पौधों को जहाँ पर छोटी उनकी पनीरी लगाई गई है ताकि आने वाले समय में ये छाया भी दे सकें, फल भी दे सकें, पर्यावरण के माध्यम से हम लोगों को ऑक्सीजन भी दे सकें। हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी तो हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसी कड़ी में जो किया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस विभाग का, वन विभाग का और अन्य सभी आए हुए मीडिया कर्मी और अन्य जो सामाजिक संस्थाओं से आए हुए लोग हैं, वो सब लोग अपना अपना एक पेड़ जरूर लगा करके जाएंगे। सब लोगों ने लगाया भी है और अपना अपने घरों के अंदर गाँव में जरूर वृक्षारोपण कराएँ ताकि हिमाचल प्रदेश जो जाना ही पेड़ों के, नदियों और नालों के कारण जाता है, उसकी प्रकृति और सौंदर्य बना रहे। यही मेरा सबसे आग्रह रहेगा। हम सब लोगों ने पेड़ लगाया है, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।